हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लाइज विद इन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं करूंगी कफ्स एंड लैशेस के ब्लशर पैलेट का रिव्यू, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। और मैंने कहा भी था कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन वन ऑफ माय मेकअप हॉल वीडियो, सो हियर इट इज़। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पैलेट, और देख सकते हो इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल बुक जैसी दिखती है ये अगर आप शेल्फ में रख दो तो। इसका प्राइस आप देखोगे तो इट कम्स फॉर 1399 रुपीज़, लेकिन मुझे अराउंड 800 या 799 का कुछ मिला था। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ मैंने एक और पैलेट लिया था, विच वॉज द कॉन्टोर पैलेट कफ्स एंड लैशेज का। साथ ही में एक और पैलेट लॉन्च किया है निधि कटियार ने, दैट इज़ हाइलाइटर पैलेट। तीन पैलेट आपको इसमें मिलते हैं, ब्लशर, कॉन्टोर और हाइलाइटर। तो अगर आप तीन का कॉम्बो लेते हो तो आपको आई गेस 43% तक ऑफ मिलता है। रिसेंटली इसके सिंगल ब्लशर पैन भी अवेलेबल हुए हैं, जो आप खरीद सकते हो अगर आपको पूरा पैलेट नहीं लेना है तो। लेट्स हैव अ क्लोजर व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग। तो ये एक मैग्नेट पैकेजिंग है और सिंपल भी है, बट काफ़ी एलिगेंट है। इसमें सिर्फ एक मिरर नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो अफोर्डेबल, अदरवाइज शायद प्राइस इसका भी शूट अप होता। नाउ आई एम नॉट श्योर वहाँ पे कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट की वजह से कलर्स थोड़े से फेड हुए होंगे, बट जो भी आपको कलर्स दिख रहे हैं उससे थोड़े थोड़े डार्क कलर्स यहाँ पर हैं। मैं कोशिश करूँगी लाइट डिम करके भी एक पिक्चर यहाँ कहीं डाल दूँ, ताकि आपको समझ में आए इसके एक्चुअल कलर्स क्या हैं। यहाँ पर लाइट मैंने थोड़ी डिम की है ताकि आपको एक्चुअल कलर्स दिखाई दें। कलर चॉइस इस पैलेट की बहुत अच्छी है, सारे ही शेड्स इसमें मैट हैं, विच आई रियली लाइक। क्योंकि कभी कभी आप जब शिमरी ब्लशर यूज़ करते हो और फेस पे टेक्सचर या पिंपल हैं तो वो और भी ज़्यादा दिख कर आने लगते हैं। सो इन दैट केस मैट ब्लशर लगाओगे तो वो इतना ज़्यादा दिख के नहीं आते। सो येस, गुड फॉर दोज हु लव मैट ब्लशर्स। और मेरे पास एक भी मैट ब्लशर का इंटायर पैलेट नहीं था, तो मैंने ये वाला लिया है जो बहुत ही अफोर्डेबल लगा है मुझे। सो लेट्स डायरेक्टली स्वॉच इट फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। सो दीज आर द स्वॉचेस, और अप्लाई करने में काफ़ी क्रीमी और बटरी लगा मुझे। कुछ एक दो शेड्स थे जो थोड़े से चौकी थे, या मैं कहूँगी पाउडरी थे, लेकिन कलर पे ऑफ तो मुझे बहुत पसंद आया है। क्योंकि ये न्यू ब्लशर पैलेट है, इसलिए हो सकता है ऊपर की लेयर थोड़ी सी रफ हो, और जैसे जैसे मैं यूज़ करूँ ये और स्मूथ हो जाए। बिकॉज पहली बार जब मैंने स्वॉचेस किए थे मेकअप हॉल वीडियो में तो ये थोड़ा ज़्यादा रफ लग रहा था, और अभी कंपैरेटिवली बहुत कम रफ लग रहा है। सो नाउ आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा शेड मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखा सकूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट वाला शेड अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फेस पे बिल्कुल नहीं दिखने वाला। सो उसके ऊपर कोई भी दूसरा शेड यूज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट। थोड़ा सा मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई किया था ऑलरेडी, उसके अलावा मेरे फेस पे ब्लशर नहीं है। पैन में देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शेड मेरे फेस पे दिखेगा भी। ऑनेस्टली इट वॉज़ वेरी लाइट शेड, बट यू कैन सी एक बहुत ही प्यारा शीन आया है मेरे चीक पे। मेरे ब्लशर कलेक्शन में इतना लाइट शेड वाला ब्लशर है ही नहीं, और आई डोंट नो, इसमें लेकिन काफ़ी ब्राउनिश टोन है। इसका लगाने पे इसमें थोड़ा सा पिंक शीन है या पीच, आई डोंट नो, बट जैसे जैसे मैं इसे यू नो ब्लेंड कर रही हूँ, कलर और भी ज़्यादा पॉप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लशर लगाया है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यू कैन हैव अ लुक, ये कितना ज़्यादा न्यूड कलर है, ऑलमोस्ट लाइक अ कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन फिर भी ये फेस पे दिख रहा है। सो इट्स रियली अमेजिंग। आप नेचुरल ब्लशर चाहते हो तो दिस वन इज़ गो टू फॉर यू। डे टाइम, ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर, इट्स अमेजिंग। लेट मी गो अहेड और दूसरा कोई कलर मैं यूज़ करूँगी इसी के ऊपर, मे बी सम अदर न्यूड शेड। मुझे इसके ऊपर ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे पास दो ही गाल हैं और यहाँ पर 8 शेड है, जो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू यू नो
पुट एज मच एज आई कैन और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. सो बेयर विथ मी. ओ अब ये थोड़ा ज़्यादा ही पिगमेंटेड है. लेट मी ब्लेंड इट. वाओ मतलब ये इसमें बहुत लाइट दिख रहा था ये वाला कलर भी. तो मैं ये अब तक मुझे ये समझ आया कि ये कलर्स जितने लाइट दिख रहे हैं ना ये नीचे के तीन लगाने पे उतने लाइट हैं नहीं. मतलब ये वो कलर्स हैं जो दिखते लाइट हैं लेकिन फेस पे एकदम परफेक्ट ब्लश आपको दे देंगे. और ये जो डार्क शेड्स हैं मुझे तो अब वो लगाने भी डर लग रहा है ऑनेस्टली. वो कितने डार्क होंगे आई कॉन्ट इवन इमेजिन. मैं और नहीं लेना चाहती. आई थिंक इतना ही काफ़ी है मेरे लिए. बट ब्लेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है. बहुत यू नो जल्दी से ब्लेंड हो गया ये. और पैची भी नहीं है. बहुत अच्छा है भाई. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही चीप पैलेट है बहुत सस्ता पैलेट है और यू नो प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते. बट आई डोंट थिंक सो. ये प्रोफेशनली भी आप यूज़ कर सकते हो. अब मैं क्या करूँगी मैं थोड़े डार्क शेड भी ट्राई कर लेती हूँ नहीं तो ज़्यादा बचेगी नहीं. ये साइड पे आई विल गो विथ आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज के मेकअप लुक पे ये शायद थोड़ा सा चला जाए. बट मैं बहुत ही थोड़ा लूँगी. बहुत ही हल्के से लगाऊंगी तब कुछ होगा. ऑनेस्टली इतना थोड़ा सा मैंने लिया है. बहुत पिगमेंटेड है यार ये. देखने में नहीं लगता है लेकिन लगाने पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. वाओ सो फार इट्स जस्ट अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी आई कांट इवन डिस्क्राइब. काफ़ी कंफ्यूज भी थी मैं ये पैलेट लेने के लिए ऑनेस्टली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक दो में तो शिमर डाला ही होगा इसमें इतने सारे शेड्स है. तो जनरली ऐसे ही होता है ना फुल मैट ब्लशर तो मिलता है नहीं. तो आई वॉज कन्फ्यूज लेकिन क्योंकि प्राइस इतना अच्छा मिल रहा था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या है. एंड ऑनेस्टली सच में आई एम लकी टू हैव दिस पैलेट. नाउ आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर. ऑफ कोर्स आई विल डस्ट ऑफ. आई एम श्योर ये भी ज़्यादा ही हो जाने वाला है. और अब मैं थोड़ा एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाऊंगी क्योंकि बाकी जगह पे जगह नहीं बची है. सो माय गॉड ये भी ज़्यादा ही हो रहा है. इट्स ओके. आज ब्लशर पैलेट का रिव्यू है तो प्लीज़ बेयर विथ मी. ज़्यादा हो भी जाए तो बी फाइन विथ इट. मैंने कभी कोई ब्लशर पैलेट रिव्यू किया नहीं है एज सच. इनफैक्ट इन जनरल भी ब्लशर मैंने कभी रिव्यू नहीं किया है. पर आज बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली. सो नाउ आई एम ट्राइंग दिस पर्पल वन एंड इसके ऊपर ही जाऊंगी ऑब्वियसली. थोड़ा डार्क है शायद तो मैं ये साइड लगाऊंगी इसको. थोड़ा और मैंने ऐड किया है ताकि डिफरेंस दिख सके. ऑनेस्टली मुझे एक के ऊपर एक नहीं लगाना चाहिए आई अंडरस्टैंड. बट देन फिर थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था आठ शेड लगाना तो मैंने सोचा ऐसे ही लगा लेते हैं. लेकिन ये सारे ही शेड्स अलग हैं. आई टेल यू ऐसा नहीं है कि जो पिंक है तो पिंक 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 सब पूरी पिंक की फैमिली एक ही कलर की दिख रही है. ऐसा नहीं है. उसमें भी अलग टाइप के शेड्स बन रहे हैं विच इज़ ग्रेट. लेट मी टेक सम अदर शेड लाइक दिस वन. थोड़ा पीचिश पिंक है लेकिन ब्राइट कलर है ये. सो मैं ये कहूँगी कि आपकी स्किन टोन डार्क हो मीडियम हो लाइट हो ये एक पैलेट में आपको सारे ब्लशर मिल जाएंगे. तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए इट्स अमेजिंग. ये साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. वाओ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये. सो ऑलमोस्ट सारे ही मैंने ट्राई कर लिए हैं. कुछ एक रह गए होंगे तो एक या दो शेड ही रह गया है. बट आई एम श्योर मैंने जो कैटेगरी है डार्क टू लाइट की वो पूरी कवर की है. सो येस दैट वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू वीडियो. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये वीडियो. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. बाय बाय.